हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू विलनेट स्टडीज वंस। मेंस चैप्टर मैंने बता दिया था, उसी चीज को यहाँ पे जो मैथमेटिकल टॉपिक है उस चीज को अभी हम डिस्कस कर देंगे। क्या होता है, एक सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, एक केजी में कितना ग्राम होता है, एक ग्राम में कितना केजी होता है, एक फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, सब चीज को डिस्कस कर देंगे। कैसे सेंटीमीटर को फीट में चेंज करना है, कैसे इंच को सेंटीमीटर में चेंज करना है, हर एक टॉपिक को हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या स्टार्ट करते हैं, केजी से स्टार्ट करते हैं। केजी क्या होता है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे, एक केजी बराबर कितना ग्राम होता है, एक केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, एक केजी बराबर ग्राम होता है। तो इसी 1000 ग्राम को हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, यानी 1000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। हम इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं 10 के पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक केजी में 1000 ग्राम होता है। तो हम अभी बताएंगे, तो एक केजी में 1000 ग्राम होता है, तो एक ग्राम में कितना केजी होता है, एक ग्राम में कितना केजी होता है, तो एक का हो जाता है 1000, तो 1000 ग्राम हो जाता है, तो एक ग्राम का तो एक ग्राम बटा, अब इसी को ग्राम को केजी में चेंज करना है तो यहाँ पे 1000 होता है, ये हो जाएगा केजी। हम अगर ऐसे ही बोल देंगे 5 ग्राम बराबर कितना केजी, यहाँ पर 5 ग्राम बराबर कितना केजी होता है, 5 ग्राम बराबर कितना केजी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बटा 1000 केजी होता है। ये केजी आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है। अगर ऐसे ही बोल देंगे 3 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, तो यहाँ पे 1000 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो जाएगा, यहाँ पे 3000 हो गया। इस चीज को समझ गया, ऐसे ही हमारा केजी को ग्राम में ऐसे ही चेंज करते हैं। एकदम एक सिंपल सा टॉपिक है, 4th क्लास में पढ़ना है, 3rd क्लास में, इस चीज को ऐसे ही समझा दिए। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम केजी के बाद देख लेते हैं इंच का। एक फीट बराबर सबको पता है 12 इंच होता है, एक फीट बराबर 12 इंच होता है, लेकिन ये 12 इंच हुआ, ऐसे ही हम बोलते हैं यहाँ पे 10 फीट बराबर कितना इंच हुआ, तो 12 × 10 कर देंगे, 12 × 10 बारह देंगे 120, तो 120 इंच हो गया, ये हो गया 120 इंच। तो एक फीट बराबर 12 इंच, तो एक इंच बराबर कितना फीट हुआ, तो 1 इंच बराबर, इंच को फीट में चेंज करना है, 1 इंच बराबर कितना फीट, तो 1 इंच बराबर 1/12 यहाँ पे 12 इंच होता है। इंच को हम फीट में चेंज किए, फीट हो गया 1 इंच बराबर 1/12 फीट हो गया, और यहाँ पे कर देंगे 5 इंच बराबर कितना फीट, 5 इंच बराबर कितना फीट होता है, तो 5 इंच बराबर कितना फीट होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/12 फीट। तो यहाँ पे 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 इंच बराबर 1/12 फीट, और 5 इंच बराबर 5/12 लिख दे कटने वाला, तो कटा दो 6 इंच बराबर कितना फीट होता है, तो 6 इंच बराबर 6/12 लिखेंगे, तो 6/12 हम लोग जानते हैं कट जाएगा, ये 1 से ये 2 से, यानी 1/2 फीट, यानी 6 इंच बराबर आधा फीट, 12 इंच बराबर 1 फीट, 6 इंच बराबर आधा फीट, 1/2 यानी आधा। इस चीज को हम लोग इंच देख लिया। अब इंच को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, ठीक, यहाँ तो हम लोग देख लेते हैं, एक इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो सबको पता होना चाहिए, सबसे याद करने वाला चीज है 2.54 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। सबको पता है कि जैसे बिहार पुलिस में लेता है, जैसे 1.65 हाइट लेता है, 1.65 सेंटीमीटर
हमें पता नहीं है 65 सेंटीमीटर क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर हुआ, तो इसी को ये 1.65 निकाला है, 1.65 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी इतना दिया हुआ है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर हुआ, तो 2 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया, तो 2.54 सेंटीमीटर हुआ। और इसको 2.54 सेंटीमीटर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 10 × 2 = 4 = 5, यानी 5.08 सेंटीमीटर हुआ, यानी 2 इंच बराबर 5.08 सेंटीमीटर। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ गए, ये इंच बराबर इतना होता है। ऐसा ही हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि नोट डाउन करिए, 2 फीट बराबर कितना सेंटीमीटर, 2 फीट बराबर कितना सेंटीमीटर, अभी बना के दिखाओ दीजिए। ठीक है, हम भी बनाते हैं, 2 फीट बराबर कितना सेंटीमीटर, वीडियो पूछ करके बना सकते हो, 2 फीट बराबर कितना सेंटीमीटर। तो 2 फीट को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फीट को, ये फीट जो दिया हुआ है इसको इंच में चेंज करेंगे, तो 1 फीट बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है, तो 2 फीट बराबर 24 इंच हो जाएगा। तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो 24 इंच में 2.54 को 24 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दिन हो गया 8, यहाँ पे 4 × 16 ना होगा, सॉरी 4 × 16 5 × 20 और 1 = 21, 4 × 6 तो 6 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, ये 10 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे करेंगे 4 × 8 5 × 10 2 × 4 5, ये हो जाएगा 6 × 8 = 9, ये 0 × 5 = 6, तो हो गया 60 × 96। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, यानी 60.96। ये क्या है, किसमें चेंज किया हम, सेंटीमीटर हो गया, क्या सेंटीमीटर 60.96 सेंटीमीटर हुआ। तो हमको यहाँ पे 2 फीट बराबर होता है 60.96 सेंटीमीटर, यह हमारा आंसर हो गया 60.96। इस चीज को और ऑफ करते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक, इसी में एक और क्वेश्चन देते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 फीट बराबर कितना सेंटीमीटर, 6 फीट बराबर कितना सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, 1 6 फीट है, तो 6 फीट हम लोग जानते हैं 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, तो 6 फीट बराबर हो जाएगा कितना, 12 × 6 60 इंच, 60 इंच हो गया। तो यहाँ पे 6 फीट का सेंटीमीटर निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 इंच गुने यहाँ पे 6 फीट, यानी 12 यहाँ पे 12 इंच 6 फीट, 12 × 5 = 72 फीट हो जाएगा, 72 इंच हो जाएगा, यानी 6 फीट में 72 इंच हुआ। और 6 फीट में 72 इंच आया, इसको हमको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो सबको पता है यहाँ पे 72 होगा, सबको पता है 1 इंच में क्या होता है 12, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो यहाँ 72 इंच में 72 से गुना करेंगे 2.54 में 72 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 × 8
पाँच दो दस के जीरो, दो दिन चार एक पाँच, फिर सात चौका अट्ठाईस के आठ, और सात पच्चे पैंतीस, और दो सैंतीस के सात, हर तीन तीन, सात दून चौदह, चौदह तीन सत्रह हो गया, आठ आठ सात पाँच बारह के दो, सात एक आठ एक। अब यहाँ दो पॉइंट के बाद यहाँ पर दशमलव देंगे, यानी 182.88 सेंटीमीटर। यहाँ से लिखेंगे एन वन एट टू 182.88 सेंटीमीटर। इस चीज को अच्छे से सीख गए, अब इसी को तो अच्छे से समझ गए, एक फीट में कितना सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप लोग अच्छे से समझ गए। अब ऐसे ही हम दे देंगे 140 फीट को हमको चेंज करना है सेंटीमीटर में, या फिर फीट में चेंज करना है। 140 फीट दिया हुआ है, 140 फीट को इंच में चेंज करना है, तो इसको 12 से गुना कर दो, 12 जीरो जीरो, 12 चौका 48 के 8, हर सिंह 4, और 12 चार 16, 1680 इंच हो जाएगा, 1680 इंच हो गया। ऐसे ही इसको हम लोग बनाते हैं। इस चीज को अच्छे से देखिए और स्क्रीन शॉट समझ गए होंगे, स्क्रीन शॉट करने की जरूरत नहीं, अगला टॉपिक ऐसे ही बना के करते रहिए। जैसे 5-6 क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि 8 फीट बड़ा बोर्ड कितना सेंटीमीटर, और 9 फीट बड़ा बोर्ड कितना, 9 फीट बराबर कितना इंच, ठीक। और यहाँ पे 12 फीट बराबर कितना सेंटीमीटर, इस चीज को बना लीजिए वीडियो पॉज करके और इसका आंसर हम बता देंगे, ठीक। तो इस चीज को हम लोग फीट को इंच में सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, इस चीज को समझ गए। उसके बाद यहाँ पे अगला हम टॉपिक बनाते हैं, किलो किलोग्राम पढ़ लेते हैं और किलोमीटर समझते हैं, इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पे किलोग्राम और फीट दोनों समझ गए, अब किलोमीटर समझते हैं। एक किलोमीटर बराबर हो जाता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर को आपको पता है क्या क्या, 10^3 लिख सकते हैं हम, तो 500, यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1/2 किलोमीटर बराबर यहाँ पे 1/2 किलोमीटर, या 9/2 किलोमीटर बराबर कितना लिख सकते हैं 500 मीटर। ये समझ में आ गया अच्छे से। तो यहाँ पे देखते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 मीटर हुआ, तो 1 मीटर इसमें से निकालेंगे तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 10 मीटर बराबर 100 × 10 हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 10 मीटर में 100 × 10 कर देंगे तो 1000 सेंटीमीटर हुआ। तो ये क्या हुआ 10 मीटर। ऐसा ही ये मीटर, ये मीटर हुआ और ये 1 मीटर हुआ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ऐसा ही यहाँ पे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है 1 किलोमीटर को। अब यहाँ पे इस चीज को हम लोग देख लिए, अब हम यहाँ पे 1 किलोमीटर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हमको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर सबसे पहले हो जाता है 1000 मीटर, 1000 मीटर हो जाता है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ध्यान से समझो यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर को
हमको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए सबसे पहले मीटर में चेंज कर दें, एक किलोमीटर को 1000 मीटर हो गया। अब 1000 मीटर हो, 1 मीटर बराबर 100, तो 1000 बराबर 1000 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 3 जीरो और 2 जीरो बढ़ गए, इतना सेंटीमीटर यानी कहा जाए 10000 हमारा मीटर को सेंटीमीटर में 10000 सेंटीमीटर हो गया। इस चीज को अच्छे से समझ गए। और एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो 5 किलोमीटर को सबसे पहले 1 किलोमीटर बराबर 1000, तो 5 किलोमीटर बराबर 5 × 1000 करेंगे तो हो जाएगा 5000। ये क्या हुआ, 5000 मीटर हुआ, 5000 मीटर हुआ। अब यहाँ पे 5000 मीटर निकल गया। अब इस मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5000 मीटर बराबर 5000 × 100 करेंगे तो 5 × 53 = 0 पहले से था, 2 जीरो और आ गया तो हो जाएगा ये 10000 5 लाख सेंटीमीटर। आपको घबराइएगा नहीं, कोई भी कितना दिया हुआ है मीटर में चाहे किलोमीटर में सेंटीमीटर में ऐसे ही चेंज किया जाता है। और फीट वाला भी मैंने समझा दिया था, कितना फीट में कितना इंच, कितना इंच में कितना फीट। तो इस चीज को हम लोग देख लीजिए, अब अगला टॉपिक को देखते हैं। दो चार क्वेश्चन और लिख लीजिए, यहाँ पे हम दो चार क्वेश्चन लिखवा लेते हैं। 5 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 12 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 6 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, इतना इस तीनों क्वेश्चन को बनाइएगा। कितना हुआ था, किलोमीटर को जैसे देखा था, अब मिलीमीटर लीटर को भी वैसे ही देखेंगे। जैसे 1 किलो kg बराबर था ना 1000 किलोग्राम, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है ना, वैसे ही 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। जब किलो आप समझ गए तो समझिए कि लीटर भी समझ गए, किलो से रिलेटेड लीटर है। ऐसे हम 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, तो 500 ml का बोतल आता है, तो 1000 ml और 500 ml का हाफ लीटर हो जाएगा, 1/2 यानी हाफ लीटर लीटर हो जाएगा। ऐसे ही हम 10000 हम दे देंगे यहाँ पे, 10000 ml बराबर कितना लीटर, 10000 ml बराबर कितना लीटर। तो 1 लीटर में 1000, 1000 ml, तो 10000 ml में 10 लीटर होगा लीटर। ऐसा ही ये जो किलो समझ में आ गया वैसे ही लीटर समझ गया। और यहाँ पे हम लोग यहाँ देखते हैं 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1 ml बराबर कितना लीटर। अब ml को लीटर में चेंज करेंगे तो जितना ml बोला उसको ऊपर रख देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे में 3 जीरो है, यहाँ पे पॉइंट दे के दशमलव देंगे, 3 जीरो के बाद 1 लगा देंगे यहाँ पे, 2 जीरो के बाद 1 लगा देंगे, तो ऐसे ही ये हमारा क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। किलोमीटर, लीटर, सेंटीमीटर, फीट, सब चीज को समझा दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।